सो हे टेकीज, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने ही वाली है और इनकी एक्सपेक्टेड डेट भी रिवील हो चुकी है, जो कि 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकती है। और उसके ऊपर आईफोन 14 सीरीज भी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। तो मुझे एक परफेक्ट टाइम लगता है इन स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि जो पुराने आईफोन से जैसे कि आईफोन 11, आईफोन 12 या फिर आईफोन 13 की एक्सपेक्टेड सेल प्राइसिंग क्या हो सकती है, और जो आईफोन 14 सीरीज है जहां पे आपको आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में इतना बड़ा मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है, वहां पर आपको आईफोन 13 जैसी ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि सेम कैमरा का लेआउट मिल जाएगा, सेम डिजाइन दिया गया और इवन प्रोसेसर भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 प्लस के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो पर्सनली अगर मैं रेकमेंड करूं तो आपको आईफोन 13 के साथ जाना चाहिए, और सेल में तो आईफोन 13 की प्राइसिंग आपको और भी कम देखने को मिल जाएगी। बेसिकली आईफोन ने थाली भी भरी दी है, खाना भी भरी है, बस थोड़ा सा तड़का लगा के दे दिया है, जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं आईफोन 13 के कंपैरिजन में, जैसे कि यहां पे आपको क्रैश डिटेक्शन का सपोर्ट मिलेगा इस बार, SOS वी सैटेलाइट का ऑप्शन आ गया है, उसके साथ साथ कुछ कैमरे की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि यहां पे आपको बेटर सिनेमेटिक मोड मिलने वाला है, एक्शन मोड स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है और फोटोनिक इंजन यूज किया गया है। बाकी उसके अलावा आपको सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन, तो अगर आपको कम प्राइसिंग में आईफोन 13 मिल रहा है तो आईफोन 13 ही रहेगा। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर बात करें आईफोन 14 जो सीरीज आई है उनकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको आईफोन 14 79,900 का मिलने वाला है, आईफोन 14 प्लस 89,900 का मिलेगा। उसके बाद जो इसके हायर वेरियंट है जहाँ पे आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस बार आपको नॉच नहीं मिलने वाली, डायनेमिक आईलैंड का ऑप्शन दिया गया है, डॉट नॉच वाली डिस्प्ले तो मिलती है जहाँ पे आपको फेस आईडी का सपोर्ट मिल जाएगा, और जो नॉच है उसे एप्पल ने बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे मेजर अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरे की क्वालिटी में इस बार आपको 48 मेगापिक्सल का शूटर मिलने वाला है, SOS वी सैटेलाइट का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्वाड पिक्सल सेंसर है, फोटोनिक इंजन मिलने वाला है, बेटर सिनेमेटिक मोड और एक्शन मोड भी मिल जाता है। तो पर्सनल मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, अगर आपको अभी आईफोन परचेस करना है कोई सा लेटेस्ट, तो आपको आईफोन 14 प्रो या फिर प्रो मैक्स के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर आप 14 या फिर 14 प्लस को परचेस करने की सोच रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और सेम स्पेसिफिकेशन सेम डिजाइन आपको आईफोन 13 में भी मिल जाता है, बस थोड़े से फीचर्स कम होने वाले हैं वहाँ पे। बाकी उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं बीबीडी सेल में जो पुराने आईफोन से उनकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, क्योंकि आईफोन 14 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है तो पुराने जो आईफोन से उसमें आपको कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 13 सीरीज की, तो करंटली आपको 64-65,000 के आसपास देखने को मिल रहा है और सेल में ये आपको ऑफिशियली 55,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हैं या फिर सेल के स्टार्ट होते ही शुरू के आधे या एक घंटे में आईफोन को परचेस करते हैं तो आईफोन 13 की प्राइसिंग आपको 49,000 से लेकर 52,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये एक आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है क्योंकि ये लेटेस्ट भी है। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं आईफोन 12 की, जो कि ऑलमोस्ट अभी दो जनरेशन पुराना हो चुका है, पर स्टिल 5G प्रोसेसर के साथ आता है, टॉप नॉच लेवल की स्पेसिफिकेशन है और वहां पर भी आपको जो कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है वो एकदम तगड़ी देखने को मिल जाती है। आईफोन 12 की प्राइसिंग अभी करंटली 55,000 के आसपास है, तो सेल में इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग आपको 45,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं आईफोन 11 की, ये एक एप्पल की तरफ से आने वाला 4G डिवाइस है और इस साल से डिसकंटिन्यू हो जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत ही हेवी डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। अभी करंटली स्मार्टफोन 35,000 से 40,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। बात करें सेल प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 के बजट में भी देखने को मिल सकता है। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं आईफोन 13 मिनी की, तो आईफोन 13 मिनी की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अंडर 40,000 के आसपास है, ये आपको 40,000 से 43,000 के आसपास में आराम से देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद बात कर लेते हैं आईफोन 12 मिनी की, तो ये स्मार्टफोन आपको 35,000 से 38,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा।